ये लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहेगा। पूरा हैंडवर्क है, ये 600 रुपीस का आपको मिल जाएगा। कितने का भी है ये? 800 की। हम में से कितने लोगों को अभी भी गुजराती मार्केट के बारे में नहीं पता है? इवन मुझे भी अब तक पता नहीं था, तो आपको बताना चाहूँगी जो गुजराती मार्केट है ये जनपद में है, मतलब जनपद मार्केट की ही एक ये फेमस लेन है गुजराती लेन। तो आज की इस वीडियो में हम गुजराती लेन को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो दिल्ली में कनेक्टिविटी का इतना इशू नहीं होने वाला है। दो नियरेस्ट मेट्रो है जिसमें है पहला राजीव चौक पहुँचना है, एंड राजीव चौक पहुँच के गेट नंबर 5 और 6, जी हाँ 5 और 6 से ही एग्जिट करना है, क्योंकि राजीव चौक पहुँचने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे गेट्स है, तो अगर आप किसी अदर गेट से एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड दूसरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जनपद, गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट करना है। तो जैसे ही हम गुजराती लेन की तरफ जाते हैं, हमें जो है इस तरीके के मार्केट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे काफ़ी कलरफुल काफ़ी यूनिक वैराइटीज़ के बैग्स देखने को मिलेंगे। लाइक आप ये जूट का बैग देख सकते हैं, इसका जो कोट किया था अंडे ने 850 रुपीज़ का किया था, 850 का मिल जाएगा आपको, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे वैराइटीज़ इनके पास, आप पर्सेस का देख सकते हैं। एंड आई लव दीज बैग्स, एंड स्पेशली ये पोटली बैग, मतलब पूरा इसका जो काम है ये पूरा हैंडवर्क है। एंड मोस्टली आपको यहाँ पे हैंडक्राफ्ट देखने को मिलेगा, एंड इस तरीके के फ्लोर रनर टेबल मैट्स आपको देखने को, मेटालिक बैग्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड काफ़ी वैराइटीज़ में इनके पास वुडन के भी बैग्स का ऑप्शन था। तो जो मैंने एग्जिट किया था वो राजीव चौक से किया था, तो राजीव चौक से एग्जिट करने के बाद जो सिप्पी वाली रोड है, आपको कनॉट प्लेस वाली रोड, उसी के साइड जाना है, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का जनपद भवन भी देखने को मिलेगा। ठीक इसी के साथ आपको जो है आगे चलते रहना है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 से 2 मिनट के अंदर जो है गुजराती लेन की मार्केट आ जाएगी। एंड बीच बीच में आपको इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे, जिसमें आपको काफ़ी यूनिक वैराइटी की ज्वेलरीज देखने को मिलेगा। एंड सीरियसली गाइस, जो मैंने इस मार्केट में ज्वेलरी को आगे एक्सप्लोर करूंगी और जो भी मैं कर रही हूँ, ये मैंने इससे पहले किसी भी स्ट्रीट मार्केट में नहीं देखा है, एंड काफ़ी ये सही प्राइस में था। सो गाइस, यहाँ पे जितने भी आप नेकलेसेस दिख रहे हैं मिनिमम 150 से लेकर 650 के बीच में आपको मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको इस तरीके के पोटली बैग्स, क्लचेस वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि टोटल यहाँ का जो मटेरियल है आपको हैंडक्राफ्ट का मिलेगा। एंड इस तरीके के ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, सिल्वर ज्वेलरीज आपको मिलेंगे, एंड स्टैचूज भी आप देख सकते हैं, प्राइस आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जैसे ही हम आगे की साइड जाते हैं, आपको इस तरीके की शॉप्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें शॉप्स में आपको हर तरीके के सूट्स वगैरह, कॉटन की कुर्तियाँ वगैरह, स्कर्ट्स वगैरह मिलेगा। एंड बीच बीच में जो है आपको एंटीक पीसेस, यूनिक पीसेस भी देखने को मिलेगा, ग्रामोफोन आपको देखने को मिलेगा, हैंगिंग क्लॉक आपको मिलेगा, मतलब होम डेकोर का काफ़ी अच्छा खासा सामान आपको मिल जाएगा। एंड इनके प्राइस जो है थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन बार्गेनिंग आपको करनी होगी। एंड स्टॉल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो जो ये रोड मैंने कवर की है, ये कनॉट प्लेस वाली रोड है, एंड ठीक इसके सामने ही आप देखेंगे आपको येस बैंक दिखेगा, एंड सर्वन भवन आपको दिखेगा। ठीक इसके सामने ही जो ये लेन जा रही है, इसी लेन को जो है गुजराती लेन कहते हैं। वैसे तो ये काफी छोटी मार्केट है, लेकिन इसी मार्केट में आपको टोटल मटेरियल हैंडक्राफ्ट का देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्टली मैं पहुंच गई हूँ शॉप नंबर 1 पे। ये सारा मटेरियल हैंडवर्क का है, इसलिए यह मार्केट आपको कॉस्टली लग सकती है। एंड ये भैया जो है ऑनलाइन भी डिलीवरी कर देंगे, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, अगर आप बात करना चाहे तो इनसे कर सकते हैं। सर, टेबल रनर्स के लिए, टेबल के लिए, ये टेबल्स के लिए है, वॉल पे लगा सकते हो आप, टेबल पे लगा सकते हो, बेड के नीचे भी लगा सकते हैं। बेड रनर क्या प्राइस बताया इसका आपने? 800 का। एंड इसी के साथ में आपको काफ़ी वैरायटी में बैग्स देखने को मिलेंगे, जिसमें बोहो बैग, जूट्स बैग, काफ़ी वैरायटी के बंजारा बैग्स आपको मिल जाएंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, ये झोला बैग आपको 450-450 रुपये का मिलेगा, जो कि टोटली हैंडवर्क है। एंड गाइस, अगर आपको इस तरीके के कलरफुल बैग पसंद है या आपको ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरीज पसंद है, तो डेफिनेटली वन टाइम आपको जरूर ये मार्केट चेकआउट करनी चाहिए। एंड गाइस, आपको बताना चाहूंगे ये तो गुजराती मार्केट है ही, साथ ही साथ यहाँ के जितने भी शॉपकीपर है सभी गुजराती मिलेंगे आपको। ये 850। तो जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आपको बंजारा बैग्स का कलेक्शन मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली शॉप में। यहाँ पे भी आपको जो है ऑलमोस्ट सेम कलेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बैगों के क्लचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि 200 से लेकर 700 के बीच में आपको मिल जाएंगे। एंड ये शॉप नंबर 2 है, एंड ये वाला बैग मुझे काफ़ी प्रिटी लगा, मतलब मेटालिक बैग था, एंड जस्ट जो इसका अमाउंट था ये 500 रुपीज़ था, जो कि मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा। एंड आप देख सकते हैं गाइस, मे बी कैमरे में ये इतना ब्राइट इतना नहीं दिख रहा है शाइनी, बट ये रियल में काफ़ी अच्छा लग रहा था।
एंड इस तरीके के और भी कलेक्शन आपको बैग्स के देखने को मिलेंगे जो कि सच में बहुत मतलब प्यारे लग रहे थे एंड काफ़ी कहते हैं ना बिल्कुल ब्राइट कलर वाले थे एंड इस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं जो कि मतलब आपके लुक में चार चांद लगा देगा। एंड लुक एट दिस, ये छोटू सा बैग ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब इसका जो शेप था हार्ट टाइप वाला ये काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड जस्ट ये था 500 रुपीज़ का, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। एंड गाइस ये मार्केट आपको हफ्तों के 7 दिन ओपन मिलेगा एंड जो उसकी टाइमिंग है मॉर्निंग 11 बजे से लेकर नाइट 8 बजे तक आपको जो है मार्केट खुली हुई मिलेगी, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके साथ में शॉप नंबर 3 में आपको इस तरीके के मिक्सअप कलेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको मेटालिक बैग्स, वुडन बैग्स, पोटली बैग्स एंड जो क्लचेस है सारा हैंडवर्क आपको देखने को मिलेगा एंड इस तरीके का वुडन रोलर बैग आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था एंड जो इसका अमाउंट बताया था भैया ने 1800 रुपीज़ का बताया था, 1800 रुपये का। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ ये मार्केट आपको कॉस्टली लग सकती है लेकिन बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। एंड इस तरीके के वुडन वाले जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं ये भी आपको क्लचेस देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी अच्छा प्यारा पीस है, ये 600 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा एंड काफ़ी ट्रेंड में है इस तरीके के वुडन वाले। तो अभी गाइस जितना भी आप इनके पास कलेक्शन देख रहे हैं 100 रुपीज़ से लेकर 2500 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा एंड भैया ने अपना कार्ड दिया है, ये उनका नंबर है, अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इन्हें कर सकते हैं, ये ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुशन कवर भी देखने को मिलेंगे एंड इसी के साथ आपको जो है ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, अगर आप शौकीन हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के, सिल्वर ज्वेलरीज के, अफगानी ज्वेलरी की, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी एयरिंग्स का कलेक्शन है ये आपको 80 रुपीज़ से लेकर 700 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा एंड जितने भी नेक पीसीस का कलेक्शन है वो आपको 300 से लेकर 1500 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा एंड ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 6 पीसेस ही ऑर्डर के लिए भैया करेंगे, तो आप बात कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली कलेक्शन की तरफ। इसके जस्ट साथ में ही आपको इस तरीके के बंजारा बैग्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड मैं उतरवा के चेक करने लग गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, हैवी भी नहीं था, लाइट मटेरियल था एंड सारा हैंडवर्क है जैसे कि आप देख सकते हैं। 5500 रुपीज़ आंटी ने कोट किया था इसका, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, 5500 तक का मिलेगा। कितने का आंटी ये बैग? 850। तो इस तरीके के मार्केट में काफ़ी आपको बंजारा बैग्स देखने को मिलेंगे जिसमें झोला बैग, बंजारा बैग्स, बोहो बैग्स काफ़ी आपको वैरायटी में मिल जाएंगे, कुशन कवर मिल जाएंगे आपको, मैट मिल जाएंगे, फ्लोर रनर मिल जाएंगे एंड बेडशीट्स मिल जाएंगे। कितने का भी है ये? 250 रुपये। एंड साथ ही साथ आपको इस तरीके के टी कप मैट सेट भी मिलेंगे जो कि टोटली हैंडमेड है एंड यहाँ पे बैग्स का कलेक्शन आप काफ़ी देख सकते हैं। रेट होंगे इनके? 1500। इस यहाँ पे जितना भी आप पर्सों का कलेक्शन देख रहे हैं आपको 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगा, 1000 रुपीज़ से लेकर 8000 रुपीज़ के बीच में आप यहाँ पे इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स देख सकते हैं एंड ये शॉप नंबर 12 होगा। ये कितने का होगा भैया? 3500 रुपये का। तो मान सकते हैं गाइस ये थोड़े कॉस्टली है क्योंकि होंगे भी ऑब्वियसली, क्योंकि सारा वर्क जो है हैंडवर्क का है एंड इन्हें बनाने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, गुजराती लेन में सारे शॉपकीपर आपको गुजराती मिलेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, मतलब कितने भी आप इनसे प्राइस पूछो, कलेक्शन देखो, ये बिल्कुल भी रिटेट नहीं होते एंड इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बात करना चाहे कर सकते हैं। एंड पोटली बैग आपको 350 रुपीज़ का मिलेगा। गाइस ये लहंगा जो आप देख रहे हैं आपको 6500 6500 रुपये का मिल जाएगा क्योंकि इसमें सारा हैंडवर्क किया गया है एंड फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इनका। क्या प्राइस होगा इनका स्टार्टिंग? 1500 से 2500 3000 तक का, मतलब 1500 से लेकर 4000 तक मिल जाएगा। क्वालिटी आपको जो शॉप में बहुत महंगा है वो आपको। तो यहाँ पे आपको साड़ियों की सारी वैरायटी मिल जाएगी एंड ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आप बैरगिन से बात कर सकते हैं। एंड गुजराती लेन अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है। तो गाइस यहाँ पे जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हैं आपको 100 से लेकर 1500 रुपीज़ के बीच में मिल जाए एंड आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइज रिंग्स का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ 100 रुपये में मिल जाएंगे। एंड लाइक ये आप इयरिंग्स देख सकते हैं कितने का है, 250 का। उसके बाद भैया ने बैंगल्स के कलेक्शन दिखाना स्टार्ट किए जो कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी स्ट्रीट मार्केट में नहीं देखे थे। डिजाइन देखो, क्या प्राइस होगी इनकी? ये स्टार्टिंग 500 से 1500 तक का, 5 से 1500 तक जी। कितना प्यारा लग रहा है ये, मतलब ऐसे ही रहेंगे पूरी जिंदगी, लॉन्ग टाइम तक पूरी जिंदगी। तो
तो जो उनका कलर है वो बिल्कुल भी फेड नहीं होने वाला है, लाइफ टाइम तक ये ऐसा ही रहेगा। एंड गाइस आपको बताना चाहूँगी, ये जो मार्केट है ये पिछले 40 साल से है, एंड इवन मैं जनपद 2008 या 9 से मैं कंटिन्यूसली जा रही हूँ, बट फिर भी स्टिल मुझे गुजराती लेन मार्केट के बारे में नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम इस मार्केट में गई हूँ। तो अगर आप जनपद मार्केट जाते हैं तो डेफिनेटली गुजराती लेन को भी चेकआउट कीजिएगा। एंड ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, बात कर सकते हैं। एंड इसी के साथ वंस अगेन आपको काफ़ी अच्छे अच्छे साड़ियों का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा इस मार्केट में। ये पिंक वाली साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो वर्क किया गया था वो काफ़ी क्लियर था एंड काफ़ी अच्छा था। हर वैरायटी की यहाँ पे साड़ी मिल जाएगी आपको, जॉर्जेट की, सिल्क की, कांजीपुरम की, मतलब जो भी होगा आपके माइंड में सारी कैटेगरीज की आपको मिल जाएंगी। स्टार्टिंग यहाँ पे 800 है, 800 से लेकर आपको 7000 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। एंड ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। एंड इसके आगे ही आपको वंस अगेन इस तरीके के ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे मतलब मिक्सअप कलेक्शन मिला। लाइक आप ये नेक पीस देख सकते हैं जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड इस मार्केट की खास बात ये है कि जो कलेक्शन आपको एक शॉप में देखने को मिलेगा वही कलेक्शन आपको रिपीटेड दूसरे शॉप में नहीं मिलेगा, मतलब सिमिलर नहीं होते, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एंड इस तरीके की काफ़ी आप ओवर साइज ज्वेलरीज, जंग ज्वेलरीज एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज आप देख सकते हैं, सिल्वर वाले देख सकते हैं। एंड जिनकी स्टार्टिंग थी वो 550 से लेकर 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं गाइस, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। एंड आप नेक पीसेस वगैरह देख सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये कितने का होगा आंटी जी? 1200 रुपये। एंड इन्हीं आंटी के पास इस तरीके का ग्रीन कलर का कुर्ता था जो कि मतलब बाजू में एंड देख सकते हैं आप गले में काफ़ी अच्छा वर्क था, एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। 4500 रुपये इसका प्राइस कोट किया था, 4500 रुपीज़। एंड इस तरीके के यहाँ पे आपको चोलीस वगैरह भी मिल जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी, बात कर सकते हैं। डांडिया नाइट के लिए आपको घाघरा चोली की भी काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब अभी तो ये सिर्फ डिस्प्ले है एंड इनके पास और भी है। एंड ये जो लहंगा है ये 9500 रुपये कोट किया था आंटी जी ने, 9500 रुपीज़ का, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। एंड लहंगे वगैरह, शेरवानी वगैरह आपको मिल जाएगा, ये टोटली पूरा ही हैंडवर्क होता है इसलिए ये मार्केट आपको कॉस्टली लग सकती है। एंड गाइस ये जो आप देख रहे हो वाइट कलर का पूरा हैंडवर्क है एंड ये आपको 1800 रुपये का मिल जाएगा। एंड कपड़ा की क्वालिटी तो आपको बताइए, ये पूरी बंजारा मार्केट है, इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ भी एक से बढ़कर एक बैग थे, मतलब हर तरीके के बैग आपको मिल जाएंगे। एंड जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हैं टोटली हैंडवर्क है। एंड ये जूट का बैग है, इसका जो कोट किया था मुझे 1200 रुपीज़ का, 1200 रुपये का। एंड इसी के साथ आप देखेंगे आपको इस तरीके के जो घाघरा चोलीस भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। एंड अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैरायटी की आपको साड़ियाँ देखने को मिलेंगे, इवन बेडशीट भी आपको मिलेगा एंड जो होम डेकोर का है वो सारा सामान मिलेगा। एंड स्पेशली अगर मैं ये डेनिम जैकेट की बात करूँ तो इन्होंने डेनिम जैकेट के बैक साइड आप देखेंगे इस तरीके का मतलब हैंडवर्क कर रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। एंड साड़ियों के बारे में तो जैसे मैंने आपको बताई कि सारी साड़ी आपको मिल जाएगी, मैट्स मिल जाएंगे, फ्लोर रनर मिल जाएंगे, मतलब जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इस तरीके के आप ये जो पट्टी टाइप वाले देख रहे हैं ये बॉर्डर्स होते हैं, लाइक जो भी अगर आप सूट को स्टिच करवा रहे हैं या कोई साड़ी का बॉर्डर लगवाना चाहे तो आप लगवा सकते हैं, जिससे आपकी ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आएगा। एंड इस तरीके के आपको पैचेस भी मिलेंगे जो कि 250-250 रुपये में आपको मिल जाएगा, मतलब इस तरीके के काफ़ी आपको मिलेंगे जिसे जोड़ के आप ड्रेस में स्टिच कर सकते हैं अपने। एंड यहाँ पे आपको फुलकारी दुपट्टा भी मिलेगा जिसकी जो स्टार्टिंग थी वो 500 रुपीज़ से था। एंड ये पिंक वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, टोटली हैंडवर्क है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इस तरीके की काफ़ी ड्रेसेस वगैरह, चिकनकारी कुर्ती वगैरह, प्लाजो वगैरह आप देख सकते हैं। ये मार्केट आपको थोड़ी सी कॉस्टली लग सकती है लेकिन बार्गेनिंग आपको करनी आनी चाहिए। वंस अगेन बताना चाहूँगी, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर बार्गेनिंग स्किल, बार्गेनिंग आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड ये ग्रीन साड़ी का कोट किया था 1000 रुपीज़ का। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती तो उसे लाइक कीजिए, अपने के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे अगर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।